बीती रात अर्पिता खान के घर पर सलमान खान के जन्मदिन का जश्न मनाया गया, वो भी शानदार अंदाज में। खास बात तो ये रही कि सुल्तान की महफिल में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी पहुंची। पूजा ने जैसे ही सलमान की पार्टी में एंट्री की, सलमान के फैंस भी खुशी से उछल पड़े। किसी ने पूजा हेगड़े को भाईजान की नई गर्लफ्रेंड बता दिया तो किसी ने कहा भाभी आ गई। दरअसल इन दिनों सलमान खान का नाम खुद से 24 साल छोटी पूजा हेगड़े के साथ जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म किसी का भाई किसी की जान के सेट पर पूजा और सलमान ने काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। सलमान के दिल में पूजा इस कदर घर कर गई है कि भाईजान ने उन्हें अगली दो फिल्मों के लिए भी साइन कर लिया है। वैसे 24 साल छोटी पूजा हेगड़े से पहले भी सलमान की जिंदगी में कई हसीनाएं आई हैं और कई गई हैं। सलमान का पहला चर्चित अफेयर रहा था बॉलीवुड के दादा मुनि अशोक कुमार की नातिन शाहीन जाफरी के साथ। खास बात तो ये है कि तब सलमान ने बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं किया था। सलमान सेंट जेवियर कॉलेज में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे और उनकी उम्र तब सिर्फ 19 साल थी। कहा जाता है कि सलमान तब शाहीन के प्यार में इस कदर लट्टू थे कि उन्होंने शाहीन को अपने घर वालों तक से मिलवा दिया था। बावजूद इसके ये प्यार ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाया। शाहीन के बाद सलमान की जिंदगी में संगीता बिजलानी आई। बताया जाता है कि सलमान और शाहीन के ब्रेकअप की वजह संगीता बिजलानी ही थी। संगीता उस समय टॉप मॉडल और ग्लैमरस एक्ट्रेस थी, वहीं सलमान स्ट्रगल कर रहे थे। कहा जाता है कि एक दूजे के प्यार में दोनों इतने सीरियस थे कि इनकी शादी के कार्ड तक छप गए थे, लेकिन एन मोमेंट पर सलमान और संगीता शादी के फैसले से पीछे हट गए। संगीता के बाद सलमान का दिल आया सोमी अली पर। सिर्फ 15 साल की उम्र में सोमी अली सलमान को उनकी फिल्म में देख लट्टू हो गई थी और बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए अमेरिका से भारत आ गई थी। सोमी और सलमान का अफेयर 8 साल तक चला। फिर एक दिन सलमान ने सोमी का दिल भी तोड़ दिया, जिसके बाद सोमी हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चली गई। सोमी का दिल सलमान ने जिस हसीना के लिए तोड़ा था वो थी ऐश्वर्या राय। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सलमान ने ऐश्वर्या को दिल दिया था, लेकिन रिश्ते के टूटने की वजह बना सलमान का पॉजेसिव और एग्रेसिव नेचर। दोनों डेटिंग के 2 साल बाद जुदा हुए। ऐश्वर्या राय जैसी दिखने वाली स्नेहा उल्लाल के साथ भी सलमान का नाम जुड़ा था। दोनों के बीच उम्र का फासला भी अच्छा खासा था। हालांकि इनके अफेयर की खबरें जल्द ही हवा हो गई थी और फिर सलमान की जिंदगी में प्यार की बहार लेकर आई कैटरीना कैफ। कैटरीना के साथ सलमान का प्यार यूं परवान चढ़ा था कि सभी को लगा था कि इस बार सलमान का घर बस ही जाएगा, लेकिन फिर अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान कैटरीना रणबीर को दिल दे बैठी थी और सलमान अपने टूटे दिल के साथ अकेले रह गए थे। जरीन खान का नाम भी सलमान की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में जुड़ा। जरीन की खासियत ये थी कि वो कैटरीना जैसी खूबसूरत दिखती थी और यही वजह थी कि सलमान उन पर मेहरबान हुए, लेकिन ये अफेयर भी लंबे वक्त तक नहीं चला। विदेशी हसीना यूलिया वेंटूर सलमान के सबसे करीबी लोगों में से हैं। लंबे वक्त से सलमान का नाम यूलिया वेंटूर के साथ जुड़ता आ रहा है। सलमान ने कभी यूलिया के साथ अपने रिश्ते को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इनकी नजदीकियां इनके रिश्ते की गवाही देती हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि सलमान यूलिया को भुलाकर पूजा हेगड़े के इश्क में गिरफ्तार हैं।